नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। विश्व आदिवासी दिवस पर विशाल आक्रोश वाहन रैली का आयोजन आदिवासी कर्मचारी सांस्कृतिक साहित्य विकास कल्याण समिति BHAL भोपाल द्वारा किया गया, जिसमें आदिवासी समुदाय के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देश प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं का बलात्कार जैसी घटनाओं पर दुखित होकर आदिवासी समुदाय द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई और सरकार को चेतावनी दी गई कि सरकार अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं करती तो आदिवासी समुदाय वर्तमान सरकार का चुनाव में विरोध करेगी। मैं RS ककोड़िया, कोई तोड़ गोंडवाना महासभा मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और अभी हुई आज जो हमारा जो कार्यक्रम रैली का कार्यक्रम चल रहा है, ये विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। हर साल हमें प्रतिवर्ष जो है कि हमें बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते थे, परंतु आज जो वर्तमान समय में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य सरकारों के माध्यम से जो घटनाएँ हमारे समुदाय के साथ या देश के जो आम नागरिकों के साथ जो बीत रही है, इसलिए हम हर्ष तो हमारे मन में रहा ही नहीं है। अब हम लोग सिर्फ अभी जो रैली निकाले हैं, ये आक्रोश रैली है गवर्नमेंट के प्रति। क्या क्या मांग है इस आक्रोश रैली में आपकी? हमारी मांगे ये है कि जो जल जंगल जमीन का जो अधिकार है आदिवासियों का है, उसे आदिवासियों को दिया जाए। 5वीं अनुसूची लागू की जाए, 6वीं अनुसूची लागू की जाए, पेशा एक्ट को धरातल में उतारा जाए। आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस पे आज आप आदिवासी वर्ग अगर नाराज है तो फिर क्या मतलब है आदिवासी दिवस मनाने के, बताइए आप। इसलिए तो हम दिवस को दिवस के रूप में नहीं मना रहे, आक्रोश के रूप में मना रहे हैं। हर्षोल्लास बिल्कुल नहीं हमारे पास। अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं NR भुआरिया और मैं गोंडवाना मध्य प्रदेश का महासभा का प्रदेश का मैं संयोजक हूँ। आज पूरे देश के अंदर में हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश में पूरे विश्व में मना रहे हैं, लेकिन भारत का जो आदिवासी है आज हम लोग विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि विरोध क्यों कर रहे हैं आप? विरोध दिवस हम लोग इसलिए मना रहे हैं क्योंकि पूरे देश के अंदर में चाहे वो किसी की भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, आदिवासियों की जल जंगल जमीन के साथ साथ में अभी खास करके आदिवासियों के ऊपर अन्याय और अत्याचार, यहाँ तक कि जैसे अभी पेशाब कांड सीधी के अंदर में हुआ, राजस्थान के अंदर में हमारे अनुसूचित जाति के भाई को जूते में पानी भर के पिलाया गया, यहाँ और मणिपुर के अंदर में महिलाओं के साथ में उनके कपड़े उतार करके नंगा करके बलात्कार करके उनको मर्डर किया गया। महिला है वो किसी देश की हो का चाहे विश्व की हो, और महिलाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए महिलाओं की जो इज्जत है, मर्यादा है, उसको तार तार किया है इस सरकार ने। इसलिए हम विश्व आदिवासी दिवस को विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। आदिवासी दिवस के द्वारा लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि जो भी औरतों के साथ बुरा हुआ है, आदिवासी औरतों के साथ बुरा हुआ है, उनके साथ ना हो और किसी भी औरत के साथ ना हो। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सभी लड़कियों को आगे आना पड़ेगा और खुद से शस्त्र उठाने पड़ेंगे। कोई आगे हमें नहीं बचाएगा, इसलिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा और अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। सरकार कुछ नहीं करने वाली है, सब झूठ है, सब झूठ रूल है, रेगुलेशन है, हम सब फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। किसी भी लड़की को सेफ नहीं फील कर पा रही है। आप देख रहे हैं जबलपुर आई BJP पदाधिकारी सना खान हुई लापता। नागपुर से 2 अगस्त को जबलपुर आई भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेता सना उर्फ हिना खान लापता हो गई। परिजन ने हत्या कर शव हिरण नदी में फेंके जाने की आशंका जताई है। इस मामले को लेकर नागपुर के मानकापुर थाने के पुलिस जबलपुर में डेरा डाले हुए हैं। भाजपा नेता के भाई मोहसिन मोबिन खान ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि गोरा बाजार बिलहरी क्षेत्र में रहने वाले अमित उर्फ पप्पू साहू से सना ने 6 महीने पहले शादी की थी। अमित ढाबा चलाता है। सना खान ने 2 अगस्त को सुबह 6:30 बजे परिजनों से बात की थी। शाम को बात की और इसकी कुछ देर बाद से ही उनका मोबाइल बंद आने लगा। मोबाइल बंद आने पर मां ने नागपुर में मानकापुर थाने में बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने संदेही अमित साहू के आशीर्वाद ढाबा में काम करने वाले नौकर को पकड़ा है। परिजनों ने बताया कि नौकर ने यह बात कबूली है कि उसके मालिक का सना से झगड़ा हुआ था।
मालिक की कार की डिग्गी खून से सनी थी और उसे उसी ने ही साफ किया था। कार में लाल रंग का बैग भी रखा था। सीएसपी तुषार सिंह ने बताया कि महिला की तलाश की जा रही है। वही जानकारी के मुताबिक अमित जबलपुर में गोरा बाजार थाना अंतर्गत राजुल अपार्टमेंट में किराए का घर लेकर रहता है। मंगलवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने घर का ताला तोड़ा और तलाशी ली, कुछ हाथ नहीं लगा। सीएसपी तुषार सिंह का कहना है कि गोरा बाजार थाना पुलिस अमित की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। कटंगी पुलिस अमित की कार की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि अमित और सना की अंतिम लोकेशन बेलखाड़ू के पास की मिली थी, तभी से दोनों के मोबाइल बंद आ रहे हैं। जी, मेरी जो सिस्टर है वो 1 तारीख को नागपुर से निकले थे जबलपुर आने के लिए। रात में बस में बैठे, यहाँ जब मॉर्निंग में पहुँचे तो उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि वो जबलपुर में पहुँच गए हैं, राजुला टाउन में, हमेशाओं की तरफ में। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने एक बार फिर से हमें कॉल किया 7 बजे करीब कि ठीक है, यहाँ पे बोले ठीक है, मतलब लाइक इनसे मेरा झगड़ा हो रहा है, ठीक है, पर उनका नॉर्मल चल रहा था, हमको लगा नॉर्मल है। तो हमने फिर तुरंत गाड़ी ठीक है निकाली, ठीक है थाने गए, मानकोपुर थाने में हमने हमारा जो क्षेत्रीय थाना आता है, हमारे एरिया का जो थाना आता है, वहाँ पे हमने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद में फिर हम ठीक है जबलपुर के लिए निकले। जब यहाँ जबलपुर में आए हम लोग, यहाँ पे हम लोग ने अर्जी लगाई है। आप देख रहे हैं जबलपुर में वृद्ध महिलाओं के साथ थाना कोतवाली एवं ग्वारीघाट अंतर्गत हुई लूट की सनसनीखेज घटनाओं का खुलासा। मुंबई का शातिर लुटेरा मुंबई में घेराबंदी कर पकड़ा गया। थाना कैंट अंतर्गत YMCA तिराहा से एक्सिस चोरी कर दिया था सनसनीखेज लूट की वारदातों को अंजाम। छीनी हुई एवं धमकाकर उतरवाई हुई सोने की 2 चेन, 1 जोड़ी बाले, 1 अंगूठी तथा घटना में प्रयुक्त चुराई हुई एक्सिस सहित लाखों का माल किया गया जब्त। 2 सप्ताह पहले हुई 2 सनसनीखेज लूट की वारदातों का हमारी जबलपुर पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण वारदात है, वरिष्ठ महिलाओं के साथ हुई थी। इसमें एक घटनाक्रम था थाना कोतवाली क्षेत्र का, जिसमें दीक्षितपुरा की नीलम जैन जी, क्योंकि मंदिर दर्शन करने जा रही थी सुबह 7:30 बजे लाट में, वहाँ पर उनके साथ चैन स्नेचिंग हुई थी। और उसी दिन शाम को ग्वारीघाट में एक अन्य महिला उर्मिला वाजपेयी के साथ घटना हुई थी, जिसमें उनको बोला गया था कि पाइप फिटिंग करने के नाम पर वो गया था, उनको बाहर बुलाया और उनको धमका के उनके जो जेवरात पहने हुए थे वो उतरवा लिए थे। इस तरह से दोनों सनसनीखेज वारदात में मुंबई का एक बदमाश है कमलेश गुप्ता, उसको अरेस्ट किया है और उसे सारा सामान बरामद किया गया। सर, ये यहाँ पे किसी की संपर्क में अकेले वारदात को इसने घटित किया। खिलाफ युवा कांग्रेसियों का प्रदर्शन। आज जबलपुर में सीएम के खिलाफ युवा कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कांचघर चौक पर काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और युवा कांग्रेस के बीच जमकर झड़प भी हो गई, जिससे प्रदर्शन कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया और पुलिस प्रशासन ने हम लोगों के साथ अनदेखी कर हम लोगों की गिरफ्तारी किया। और ये क्रमवार चलता रहेगा हम लोगों का कार्यक्रम, जब तक दलितों पर अत्याचार होगा, जब तक दलितों पर बेरहमी से उनके पर बाथरूम किया जाएगा, बेरहमी से उनको पीटा जाएगा, गोली बारूद चला जाएगा, गाली गलौज दिया जाएगा, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव जी भलाई वो BJP से बिलोंग करते हैं, मगर हमारे समाज के दलित समाज के व्यक्ति हैं और प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से अनदेखा किया, बहुत ही घोर निंदा करते हैं हम कांग्रेस पार्टी की ओर से। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।